अजमेर के किशनगढ़ में किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन द्वारा तैयार किए गए डंपिंग यार्ड को अब स्नो यार्ड नाम दिया गया है। पिछले 2 सालों में यहां पर्यटकों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसी को देखते हुए 300 बीघा में फैले इस यार्ड में बच्चों के लिए बनाए गए पार्क में अब झूले भी लगाए गए हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुधीर जैन ने बताया कि शूटिंग, प्री वेडिंग और कमर्शियल शूट के लिए भी यह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। रोजाना कम से कम 10 प्री वेडिंग शूट होते हैं जिनसे हम 5100 रुपये चार्ज करते हैं। ड्रोन यहाँ अलाउ नहीं कर रखा हमने, केवल कैमरे से शूट कर सकते हैं। यहाँ पर जो कपड़े का शूट करने आते हैं उनसे हम 21,000 प्लस GST लेते हैं। और यहाँ 2 साल से काफ़ी लोगों का क्रेज बढ़ा है इसको देखने के लिए। किशनगढ़ में इस जैसी कई जगह ऐसी घूमने की नहीं थी, अब लोग इसको पसंद भी बहुत कर रहे हैं। वैसे तो किशनगढ़ में काफ़ी एरिया है। मंदिर है और सुख सागर है और एक ये डंपिंग यार्ड है जिसके प्रति आजकल लोगों की क्रेज बहुत ज़्यादा है। डंपिंग यार्ड वैसे तो उद्योग के से निकलने वाले स्लरी को डंप करने के लिए बनाया, पर जब ये सूख गया तो अब ये टूरिस्ट प्लेस हो गया। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड इस तरीके से लगता है, लोग बागों का आकर्षण हो गया। रोज करीब 1000 से 1500 लोग सुबह से शाम तक विजिट करते हैं, विशेषकर सैटरडे संडे को 3 से 4 हज़ार लोग आते हैं। यहाँ पे है काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस ये, और यहाँ पे काफ़ी कुछ सुधार की ज़रूरत है। जैसे ये थोड़ा साफ़ सफाई कर दी जाए, यहाँ पे वोटिंग स्टार्ट करनी चाहिए ताकि लोग वोटिंग कर सके लोकल किशनगढ़ में ही। उसके अलावा यहाँ पे हमारे एक अच्छा सा फोर्ट है, मगर उसमें एंट्री अलाउ नहीं है किसी की भी। उसके अंदर म्यूज़ियम वगैरह भी है, ऑलरेडी काफ़ी कुछ है, पर उसमें एंट्री नहीं है किसी की, लोकल्स की किसी की भी। तो वो अलाउ करे तो किशनगढ़ के भी टूरिस्ट आएंगे, इवन बाहर के भी आएंगे। जो यहाँ पर डंपिंग यार्ड देखने आते हैं वो केवल डंपिंग यार्ड देख के चले जाते हैं, उनके लिए और कुछ है नहीं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सुधार करोगे तो वो लेक भी देखने आएंगे, फूड भी देखेंगे, काफ़ी कुछ देखने लायक हो जाएगा उनका। जो आप बैक साइड में देख रहे हैं ये मुखम विलास है, जो किशनगढ़ का सबसे बढ़िया टूरिज्म प्लेस बन सकता है। ये जलमहल जो उदयपुर है और जो जलमहल पैलेस एक अपने जयपुर है, ये उससे एकदम सिमिलर टाइप की चीज़ है जो बहुत बढ़िया टूरिस्ट प्लेस बन सकता है किशनगढ़ के लिए। और दूसरा एक किशनगढ़ का सबसे बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है डंपिंग यार्ड, विच इज़ इक्वल टू स्विट्ज़रलैंड। जो डंपिंग यार्ड है वो पूरा बर्फीला, पूरा स्नोलैंड से है, तो वहाँ पर लोग घूमते हैं, अपनी वीडियो शूटिंग, फोटो शूटिंग करते हैं। घूमने आया था जयपुर एंड इत्तेफाक से इस जगह का पता चला, बहुत खूबसूरत जगह है। अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ ए लोकेशन, और इस तरह की जगह हैं हिंदुस्तान में, हम कभी यकीन नहीं कर सकते थे, सोच नहीं सकते थे।